गई हूँ नानी, और हाँ मतलब मेरा नाती हुआ है। गांव में है तो पहाड़ी में ही ब्लॉग की शुरुआत कर। हेलो दगड़ियो, तो तुम्हारा स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आशा कर चुकी कि तुम सब स्वस्थ और मस्त होला। तो मैं जा रही हूँ कहीं, छोटे छोटे बच्चों ने दुकानें लगाई हुई है। आपकी दुकान में क्या है? अंडा, अंडा, अंडे और और ये है। अभी यहाँ पे होगी होली तो बच्चों ने शॉप खोल रखी अपनी अपनी। आपने अंडे? अंडे। आपने हाँ? क्या क्या है ये सामान? किसका है? कितने का है? हाँ गुन्नू खा। तो एक और दुकान वाले आ चुके हैं। ये तो बेस्ट शॉपकीपर है। मामा क्या दुकान खोलता है? ये क्या? मेरे अंडे बिक जाएंगे कहो क्रिश। चलो फिर बाय, आप सबको हाय दो बोलो। बाय, आप सबको हाय दो बोलो। सब यहाँ, सब यहाँ देखो, सब हाय बोलो। यहाँ भी एक छोटे बच्चे ने दुकान खोली, यहाँ वाले भी हाय बोलो। अभी होली में आएंगे तब लेंगे चीज, ठीक है? बाय। तो व्लॉग की शुरुआत मैंने पहले ही कर दी थी, और फिर अभी आपको बच्चों की शॉप्स दिखाई हैं। होली में छोटे छोटे बच्चे दुकान लगाते हैं। जब हम भी छोटे होंगे तो शायद तब हम भी लगाते होंगे, जब गांव आते थे। तो अभी मैं जा रही हूँ चाकबूड़ी, क्योंकि तो मैं बन गई हूँ नानी। तो हमारे यहाँ पहाड़ों में जब भी बच्चा होता है तो बधाई देने के लिए जाते हैं, तो हम अभी उनके घर बधाई देने के लिए जा रहे हैं। तो ये वहीं की रहने वाली है, हमारा पहले घर हुआ, इन्होंने अब यहाँ को शिफ्ट बना लिया, तो ये भी वहीं जा रही है उनको बधाई देने के लिए, और मैं भी जा रही हूँ अपनी लड़की को बधाई देने के लिए, अपने नाती को देखने के लिए। आते हैं, मतलब मुझे तो मैं तो मतलब बहुत कम जाती हूँ रोटी डालने का, मतलब मतलब परंपरा है पहले से ही, किसी के घर में भी खुशी होती है, जैसे मतलब बच्चे वगैरह होते हैं तो रोटी वगैरह डालने जाते हैं। अब इतना तो मुझे भी नहीं पता है, पहले से बहुत पहले से ही परंपरा। मैं तो मतलब बहुत कम शायद पहली जा रही हूँ या दूसरी जा रही हूँ, लेकिन दीदी लोग तो शायद जाते रहते हैं, क्योंकि मेरे मैं इसलिए नहीं जाती क्योंकि मेरी सास जाती है मेरे हिस्से का। हाँ तो अभी मेरी सास जवान है ना, बहुत ताकतवर है मेरी सास, तो इसलिए अभी आज मैं इसलिए जा रही हूँ क्योंकि मैं नानी बनी हूँ। सासू माने का तू ही जा अपनी लड़की को बधाई दे के आओ। लगी हुई है काम पे नानी जी, बधाई हो आपको। धन्यवाद। हमारी नानी रोज आ रही है यहाँ पे चाय बनाने में व्यस्त है, मेहमान आए हुए, चाय बना रही है यहाँ पे भी चाय बना रही है। मैंने पहन लिया होली की ड्रेस और अब चलते हैं स्कूल में होली गाने के लिए, और आज है प्रधान जी की भेली शाम के समय, तो वहाँ गाएंगे अब होली। चलो फिर चलते हैं, सब लोग तो चले गए हैं, मैं ही हूँ लेट क्योंकि मैं तो वहाँ चली गई थी रोटी डालने के लिए। हमारे यहाँ बधाई देने को रोटी डालना कहते हैं।
लेके आ गए हैं और बैठ गए हैं, थकाई लग गई है, अभी और लोग गा रहे हैं, थोड़ा बहुत बहुत कठिन कठिन वाली लगा रहे हैं हम थोड़ी। मैं तो बिल्कुल भी ट्रेंड नहीं हूँ, कुछ नहीं आती है, ईजी होगी तो फिर जाएंगे हम लोग, क्योंकि बहुत डिफिकल्ट डिफिकल्ट वाले लगाएंगे अब तो आगे भी जाएंगे ना। विराजे चंदन की जय, बोलो यशोदा नंदन की जय, बोलो यशोदा नंदन की जय, बोलो यशोदा नंदन। बस आ चुकी हूँ मैं घर पे और मेरे मायके के नज़ारे हैं कुछ ऐसे, और यहाँ पे है मेरा एक प्यारा सा सुंदर सा बदेव जिसको आप व्लॉग्स में देखते रहते हो, तो ये यहीं रहता है, कभी कभी मेरे पास आ जाता है घूमने के लिए। तो होली हो रही थी, बहुत जबरदस्त मजा आ रहा था, हम भी गा रहे थे हाय कदे गा रहे थे। और पहाड़ों की संस्कृति है, पहाड़ों में गांव में ही मजे आते हैं, जब भी कोई त्योहार होता है तो गांव में तो बहुत धूमधाम होते हैं, और जहाँ रहते हैं वहाँ में पता भी नहीं चलता कि होली है या नहीं है, लेकिन यहाँ तो बहुत यशोदा आनंद यही रहने वाली है। गाड़ी है ये लकड़ी की काठी, बाय करो, बाहर जाके बैठो उसमें, रेड गाड़ी, एक बार इस वाली गाड़ी में बैठ रहा है, एक बार इस वाली गाड़ी को ले जा रहा है, और एक बार उस वाली गाड़ी में बैठ रहा है। मजे भाई मजे, मजे हैं तुम्हारे तो का बच्चा बिना लाइए टेस्टी टेस्टी खाना, देखो माँ बुआरी होने का फायदा। फिर बार नीच जन्ने, बार कला जन्ने, मम्मी बोलने लग गई मेरे साथ वारी जी कला जन्ना, अपने सासु छोड़ भी रहे। हाँ मम्मी, थोड़ा दिन तो फिर भी आराम था ना, वो ज्यादा नुकसान हुआ आदत खराब तो हम खाते है खाना। फिर बताते मम्मी, बताओ तुम्हारी बुआरी ने कैसा खाना बनाया है। अच्छा, बिन देख के बिन खाया कश्य बताया तिल। अच्छा, अब बोलो। देखने में अच्छा लग रहा है, खाने में अच्छा लग रहा लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। मम्मा के बगल में बैठ के, माँ के बगल में बैठ के खाने का सौभाग्य कभी मिलता है।